हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक वे टिप्स। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पोटा लाइट की, जो कि डिजीटेक की है, DPL003। अगर आपको एक पोटा लाइट लेनी है तो मैं आज बताने वाला हूं एक डिजीटेक की DPL003 के बारे में, जो कि मेरे हाथ में है। आप देख सकते हैं, ये है DPL003। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप वेडिंग या प्री वेडिंग में इसका यूज करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा रहने वाला है, तो आप इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ निकलने वाला है। तो आप देखिए, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और साथ में इसको यूज करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर क्या निकलने वाला है, तो अभी मैं चेक करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ, तो यहाँ पर एक निकलता है मेरा केस। तो अभी मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक चैन टाइप की दी गई है, तो यहाँ से इसको ओपन करना होता है। तो हम यहाँ से करते हैं ओपन। केस काफ़ी अच्छा है, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अंदर की तरफ देखते हैं क्या कुछ निकलने वाला है। यहाँ से हमको एक अंदर केबल निकलती है और जो केबल का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर केबल काफ़ी भारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम अभी रखते हैं साइड में। तो अंदर की तरफ हम जब निकालते हैं तो देखिए, यहाँ पर कुछ डिजीटेक की यहाँ पर लाइट की जो प्लेट है वो निकली है। तो अभी हम यहाँ से निकालते हैं बाहर। बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखा हुआ है डिजीटेक। तो चलिए, फटाफट से इसको सेट करके आपको दिखाने वाले हैं अम्ब्रेला के साथ में। आप वीडियो में बने रहें, इसको हम अभी तुरंत सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका यूज करके कि किस तरीके से आप अपने स्टूडियो में या फिर वेडिंग प्री वेडिंग में इस लाइट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से इस लाइट को अपने यहाँ से इस पर रख रहा हूँ, और जैसे यहाँ पर रखना होता है तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको रखने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा कसना होता है, तो मैं इसको यहाँ से इसको टाइट कर दूँगा तो ये आसानी से यहाँ पर रुक जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया है और बहुत ही अच्छे से ये यहाँ पर मैनेज हो गई है लाइट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी आगे की तरफ हैलोजन लगी हुई है, ये देखिए, और इसको हम आसानी से थोड़ा सा घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, जितना भी हमको मैनेज करना होगा उतना हम यहाँ से कर सकते हैं अपने माध्यम से। और इसके बाद अगर हमको इसको थोड़ा सा घुमाना है तो यहाँ से इसको ढीला करने के बाद, ये देखिए, यहाँ से इसको ढीला करने के बाद हम इसको नीचे ऊपर भी घुमा सकते हैं। और इसका जो प्लग है, इसका प्लग ये है, इसको यहाँ से लगाना होता है, बहुत ही अच्छे से लगाना, पकड़ के थोड़ा सा सहारा दोगे तो अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, देखिए यहाँ पर फिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको ऊपर लगाने वाला हूँ। जैसे ही लगाता हूँ तो आप देखना, यहाँ पर काफ़ी लाइट तेज़ी पड़ती है, ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लाइट डली है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इसको अभी बंद कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इस पर अम्ब्रेला लगा के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस अम्ब्रेला को ओपन कर लूँगा, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आप जो पॉइंट देख रहे हैं, इस यहाँ पर हमको अपना अम्ब्रेला लगाना है। नीचे की तरफ हमको ये नट जो है इसको ढीला करना होगा, और उसके बाद इसी पॉइंट पर हमको ये अम्ब्रेला लगाना होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना अम्ब्रेला लगा दिया है, और जहाँ पर आपको लगाना हो उतना आप लगा सकते हैं, जितनी दूर आपको रखना है। तो जैसे ही आप लगाएंगे, इसके बाद आपको ये नीचे वाला जो नट है इसको थोड़ा सा टाइट करना होगा। इसको टाइट किया तो ये मेरा जो अम्ब्रेला है ये लग चुका है, और अच्छे से थोड़ा सा मैं इसको अंदर कर ले रहा हूँ। और इसके बाद अगर मुझे ये लाइट ऊपर की तरफ डालनी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ढीला करूँगा, और ढीला करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा। घुमाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, और अभी मैं इसका प्लग दोबारा से लगाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर जैसे ही ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी हार्श लाइट पड़ी है। देखिए, ISO मेरी 1000 मैंने कर रखी है, और मैं इसको यहाँ पर मैनेज करता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा ISO, तो ये अभी अपने आप से कलर अच्छे खासे दे देगा। तो मैंने यहाँ पर ISO रखी 116, और इसके बाद ये मैंने रखा है जो शटर स्पीड है मेरी, वो मैंने रख दी है 100 1/100, और जो मेरा अपर्चर है वो मेरा 4.5 पे है, तो मैं इसको लेके जाता हूँ 5.0 पे। 5.6 करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मैंने लाइट अपनी मैनेज कर रखी है। और अभी अगर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो देखिए,
देखिए जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए काफ़ी यहाँ पर अंधेरा रहने वाला है। मैं जैसे ही इसको दोबारा से लाइट को ओपन करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ से लाइट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे लाइट मिल जाती है। काफ़ी अच्छी लाइट मिलने के बाद ये अगर आप अपने वेडिंग में ले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। आपकी जो वीडियो लाइट होगी उसको आप बहुत ही कम यूज करेंगे। अगर आप ये डिजिटेक की पोटा लाइट लेके जाते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।